ये के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है, यहीं पे हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग। आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, माशाल्लाह मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारा ये तीसरा दिन रूटीन का, और अब हम जा रहे हैं ऑफिस की जानिब। आज पीर वाला दिन है, और पीर वाले दिन की रूटीन वैसे ही टफ होती है। और आपको संडे व्लॉग भी दिखाया, ये देखें अभी तक पानी का मसला हल नहीं हुआ है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो बहुत आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, ये देखें मतलब रोडों पे अब तक मशीनें नहीं आई, लोग हाथों से झाड़ू निकाल। और पाकिस्तान के लिए दुआ करते हुए इस व्लॉग का आगाज करते हैं। स्टैंड पे पहुंच गए हैं, क्योंकि 9:15 पे हमारा लेट लग जाती है, तो 9:14 पर पहुंच गए हैं ऑफिस। और अभी हम जा रहे हैं अपनी सीट पे, हेलमेट वगैरह सब नीचे रख दिया है। और अब कहीं 2-3 जगह पे जाना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक के काम से, ये के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है, यहीं से हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग होती है, ये बैतुल सलाम मस्जिद। और अब बैंक की जाने रवा दवा होंगे और ऑफिस का काम निपटाएंगे। और आज तो ज़बरदस्त स्पेशल ये है कि बिल्टी भी लेनी है मुझे ही, तो आपको फिर बिल्टी लेके भी दिखाएंगे कि बिल्टी लेने का प्रोसेस क्या होता है हर चीज़, और कहाँ कहाँ से लेनी है आपको ये भी बताएंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। ये देखें गरीब मुल्क के पास कितनी बाइकें हैं, और पेट्रोल के अखराज आती हैं, सब कुछ है ये देखें। और फिर बोलते हैं महंगाई गुर्बत ये वो, कुछ भी नहीं है भाई, देखो तो सही, जितनी आबादी नहीं उतनी तो बाइकें हैं। ये देखें हमारी आवाम 30 रुपये बढ़ते हैं तो पेट्रोल डलवाने भाग जाती है, और यहाँ पर 30 रुपये के बढ़कर के लिए आपस में लड़ रही है। ये देखें मारा मारी तक हो रही है, फ्री बिल्कुल फ्री है बनकवाब। ये देखें 13 फरवरी, आज 13 फरवरी है, बनकवाब बिल्कुल फ्री है, मगर देखें लूटने वालों का कितना रश है, एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं। जब कौम बरगर पे लड़ना शुरू हो जाएगी तो ये आजाद कैसे होगी। अब ये वो आ जाता है लंच का टाइम, और अभी हमारे पास है बिरयानी, सामने हमारे इजाज़ भाई चाय पी रहे हैं। चाय बिस्किट क्यों खा रहे भाई आप कॉफी बिस्किट क्यों खा रहे हो, बीमार बीमार तो नहीं हो? नहीं वो मैं बैठ गया, ये हमारे सुस्त बचाने क्यों हुए हैं आज चले गए। बिल्टी लेने के लिए हमारे लियाकत भाई हैं। लियाकत भाई कुछ हमारी जर्नी के बारे में बोलना चाहेंगे आप? नहीं आपका चैनल हमने देखा, आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह से, आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं माशाल्लाह, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ माशाल्लाह से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं करें? मैंने किया हुआ है, और आप लोग इसका चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज, बिल्कुल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये देखिए अभी रिक्वेस्ट चैनल लियाकत भाई ने भी कर दी है, ये भी हमारे भाई कह रहे हैं। अब हम जाएंगे बिल्टी लेने के लिए, और अब बिल्टी लेने जैसे ही जाएंगे तो आपको दिखाएंगे बिल्टी लेने का प्रोसेस और क्या होता है लेने का, और जिस दिन करवाने जाएंगे उस दिन का भी प्रोसेस बताएंगे कि भाई बिल्टी करवाने का प्रोसेस क्या होता है। आज ही मैं आपसे बात कर रहा था ना, बाइकें दिखा रहा था तो लोगों को शायद तकलीफ हो जाती कि यार ये बाइकें रोटी कमाने निकले, ये करने निकले, वो करने निकले। ये देखें गाड़ियाँ देखें, और पीछे तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब थी। जितनी लाइन में आपको दिखा रहा हूँ ना, इससे डबल लाइन में पीछे देख क्या है, इससे डबल गाड़ियाँ, और अभी भी आ ही रही है सामने से, देखें आ ही रही है। तो कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं सब, एक ने पाकिस्तान का पैरा कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ सियासतदान या किसी ने, हम सब मिल के कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी वहाँ पर, वो कह रहा है कि यार नहीं हमारे ये ना बिल्टी लेने की नहीं बनाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो, मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। तो अब हमने बिल्टी ले ली है, तो आपको इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। अब हम पोलो ग्राउंड के पास से गुजर रहे हैं। यार आपको हमने बिल्टी स्टोर में करते हुए नहीं दिखाई, असल में यार कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्फिडेंशियल ना, जो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का भी मसला है हमारा भी, कि भाई
कंपनी की चीज़ों को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए बाकी कोई इशू नहीं है। पूरे दिन आपको व्लॉग में इंशाल्लाह शामिल रखेंगे। अभी तो आधा दिन हुआ है, अभी तो शाम में जाके तभी आएंगे। फाइनली घर आ गए और आज पूरा दिन आउटडोर ऐसा लग रहा था, आउटडोर बोया हूँ मैं, यहाँ भागो वहाँ भागो, अल्लाह का करम हो गया, सारे कामकाज निमट गए, अब घर पे आ गए। आपका भाई अपने घर में आ गया है, अपने घर में इसलिए आया है कि उसको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, और वो स्क्रिप्ट लिख के आपको जल्दी से जल्दी, बल्कि इस व्लॉग से पहले ही शायद वो अपलोड हो जाए, तो आपको जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो पता चल जाएगा कि वो स्क्रिप्ट मैंने आज बैठ के लिखी है। तो वो बस स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी है, और स्क्रिप्ट लिख के आपके साथ भी मैं थोड़ी सी शेयर करूँगा। तो अभी भी लिखते हैं हम स्क्रिप्ट। 3.5 घंटे की मेहनत के बाद ये स्क्रिप्ट मेरी तैयार हुई है, ये देखें 3.5 घंटे की मेहनत के बाद, और ये पिछले वाले की स्क्रिप्ट है, और ये अभी ये स्क्रिप्ट तैयार हुई है, और इस पेन से लिखी है, और ये मुझे हमारे नासिर भाई ने बड़ी मोहब्बत से गिफ्ट की थी, तो उनका शुक्रिया कि मैं अभी इसमें स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। मेरी एक और डायरी थी वो ख़त्म हो गई, तो मैं सोच रहा था नई डायरी लेने का, मगर उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, तो मैंने सोचा कि इसी को अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं अपनी स्क्रिप्ट ज़ाया नहीं करता। ये देखिए यहाँ पर डन लिख दिया है, यहाँ पर अब इसके आगे जितने भी होंगे टॉपिक्स भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, ताकि एक यादगार बन जाए। और जो मेरा आज का कंटेंट था 14 फरवरी के हवाले से, जो मैंने इतनी मेहनत से 3.5 घंटे की मेहनत से लिखा था, और इसके पीछे 1 हफ्ते की रिसर्च थी, वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो एडिट इंशाल्लाह हो रहा है, तो इसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। मगर आपको ये जब मेरा व्लॉग अपलोड होगा, तो इसके आपको जब तक मेरा ये कंटेंट अपलोड हो चुका होगा, और अगर जो ये मेरा व्लॉग देख रहे हो, मेरा वैलेंटाइन वाला व्लॉग नहीं देखा, तो वो भी देखें, कमेंट करें, अपनी राय से आगाह करें कि उसे मेरा वो कंटेंट कैसा लगा। और आज पूरा दिन आउटडोर करने के बाद फिर मैंने घर में आके 3.5 घंटे तक स्क्रिप्ट लिखी, फिर स्क्रिप्ट को परफॉर्म किया। कहानी सुनाने में मैं पहले से ही थोड़ा सा वीक हूँ, तो और इस कहानी में तो मैं सामने भी नहीं आया हूँ, जो मैंने अभी पिछला अभी व्लॉग अपलोड किया है, व्लॉग सॉरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की है 14 फरवरी के हवाले से, तो वो थोड़ी शायद बोरिंग भी रही, मगर खैर है, मैं असल में कहानी सुनाने में वैसे ही ना हूँ, कहानी में अच्छी नहीं सुनाता, फिर भी मैंने जैसे कोशिश की आप लोगों तक बात पहुंचाने की। आपको मेरी वो वीडियो कैसी लगी उस वीडियो पे बताएं कमेंट करके, और ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो पे भी कमेंट करके हमें बताएं। और सेकंडली ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताते रहिएगा कि मेरे डेली व्लॉग कैसे आ रहे हैं। तो जब तक के लिए अपने दोस्त शादी नौरानी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।